मतलब टेस्ट तो हम यार पहले ही जीत गए थे, टीन एक्स से सीरीज भारत जीत चुकी है, लेकिन इस टेस्ट में तो भाई मजा ही आ गया, नेक्स्ट लेवल का। दोस्तों आपको भी मजा तो जरूर आया होगा, मैच देखा ना आपने? अच्छी तरह, जितना कोई नहीं देखा आज तक। अरे चलो नहीं भी देखा होगा तो हम किस लिए हैं, हम बताते हैं आपको क्या मैच में मसाला देखने को मिला। मैं गरिमा, ये हिबतुल्ला कुरैशी, हमेशा की तरह स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स अप पर। तो हिबतुल्ला क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से? आइए मेरी हैप्पी। यार मैं ये कहना चाहूंगा, मैच तो था, देखो टेस्ट है ना, टेस्ट सीरीज चल रही है, लेकिन मुझे लग रहा है ये टेस्ट हो रहा है इंग्लैंड का। उन्होंने क्रिकेट दिया है पूरी दुनिया को, लेकिन उनके बाद खुद क्रिकेट नहीं आ पा रहा। ये पांचवा टेस्ट सीरीज चल रही थी, पांचवा मैच था, लेकिन इसी के साथ ना पांच पांच लोंडो के हमारे डेब्यू मैच भी हुए, जिसमें से आज देख लो देवदत्त पड़िक्कल, भाई वो बंदा आज खेला और उसने क्या ठोका है इंग्लैंड को। क्या बोला तूने? मतलब इस टेस्ट सीरीज के दौरान है, मतलब जिसका भी डेब्यू हुआ है, चाहे वो सरफराज हो, चाहे वो ध्रुव जुरेल हो, चाहे ये आपने जिनका भी नाम लिया, देखो नाम थोड़ा सा ना ये पड़िक्कल, देवदत्त पड़िक्कल पड़िक्कल जी हो, मतलब सबने खुद को प्रूफ किया है अनडाउटेडली, मतलब सबने अच्छा खेला है। और सबसे बड़ी खुशी तो मुझे इस चीज की है कि रोहित और गिल की जो हमें फॉर्म देखने को मिली भाई दूसरे दिन, भाई। दोनों ने सेंचुरी जड़ी है और दोनों ने समा बांध दिया। लेकिन डेब्यू से मेरे को एक बात याद आती है, देखो डेब्यू तो इस सीरीज में ना एक और बंदा है जिसका हुआ, लेकिन हालांकि वो इंडियन प्लेयर नहीं है, उनका नाम है शुएब बशीर, इंग्लैंड की तरफ से खेल रहे हैं वो भाई। उनके डेब्यू मैच में उनको इतना पहला जा रहा है ना, मैं बता रहा हूँ हमारे बैट्समैन इतना फेल रहे हैं, यहाँ तक कि जो हमारे बॉलर हैं जो लास्ट में आ रहे हैं वो भी उनको, मतलब क्या हुआ ना कि शुरू के जो ये सीरीज चल रही थी, शुरू के टेस्ट में जो मतलब वो बशीर ने अपना थोड़ा दबदबा बनाया था ना, बट इंडिया वाले यार एक तो ना ये बात होती है आप हमें हल्के में मत लो, ठीक है हल्के में लेगी तो आप गलती कर देते हो। हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं, उन्होंने भाप लिया कि भाई ये क्या बॉल फेंकता है क्या, और इस पांचवे टेस्ट में जो पेला है बशीर को, मतलब हर किसी ने, कुलदीप यादव तक ने भाई, और आठ ही विकेट गिरे हैं अभी अभी, 250 से ज्यादा की लीड ऑलरेडी इंडिया दे चुकी है इंग्लैंड को। देखते हैं कल कुलदीप और हमारे बुमराह खेल रहे हैं और दोनों ही अच्छी फॉर्म में खेल रहे हैं। और मैं बताऊं यार ये जो मैच है ना, ये लास्ट मैच होने, ये लास्ट मैच हो रहा है और ये मैच इंडिया जीत चुकी है यार। हाँ, मैं नहीं चुकी है। सीरीज जीत चुकी है, लेकिन ये मैच भी पक्का इंडिया जीत ही चुकी है, क्योंकि इंग्लैंड की इस टेस्ट में जो भी हमने फॉर्म देखी है ना, मतलब कुछ खास नहीं रहा, बस एक मैच वो जीती थी उसी में थोड़ा मुझे उनका अच्छा लगा परफॉर्मेंस। देखते हैं कि कल कितना और आगे स्कोर लेके जाती है इंडिया, अभी 8 विकेट हुए हैं और कुलदीप जी और हमारे बुमराह जी खेल रहे हैं, दोनों अच्छा ही खेल रहे हैं, और मतलब मेरे को तो यही लगता है कि 250 की तो लीड ऑलरेडी दे चुके हैं, उसके हिसाब से इंग्लैंड कितना ही मार लेगी, क्या लगता है आपको कितना ही मार लेगी वो? ये बात आप हमें कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से बता दो। आप बताइए आपको क्या लगता है, मतलब इंग्लैंड चेज भी कर पाएगी? लीड देना तो बाद की बात है, बतूला पहले तो चेज करना है उनको, तो क्या वो चेज कर पाएगी आपको क्या लगता है हमें नीचे कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलते हैं एक नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, टाटा बाय बाय बाय।